आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत बेहद नाजुक बताई जा रही है। उनकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। पहले वो पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, लेकिन स्थिति में सुधार ना होने के कारण बुधवार की देर रात एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया। यहां भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। एक तरफ लालू यादव जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए दुआओं का दौर भी शुरू हो गया है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में लालू यादव की बेहतर सेहत के लिए पूजा हवन किया गया और दुआएं मांगी गई कि आरजेडी सुप्रीमो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। वहीं लालू यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद तेजस्वी यादव साई की तरह अपने पिता के साथ हैं। वहीं तेजस्वी ने लालू यादव की ताजा हालत को लेकर बताया कि उनका पूरा चेकअप किया जाएगा, उसके बाद इलाज शुरू होगा। फिलहाल बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पा रहा, डॉक्टर से उन्हें सिंगापुर ले जाने की बात की जाएगी। अभी हालात स्टेबल है और आप लोग सब लोगों की जानकारी में पहले से ही होगा कि किडनी और हार्ट का शुरू से ही इलाज जो है दिल्ली में चलता रहा है, तो बकायदा एम्स में चलता रहा है और जो डॉक्टर जो देखते रहे हैं, जिनको लालू जी के मेडिकल हिस्ट्री का और इलाज का ट्रीटमेंट का सारा जानकारी पता है, प्राप्त है, तो वही हम लोगों की राय बनी कि वहाँ ले जाकर के इनकी इलाज जो है वहीं कराया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो इसके लिए जो है हम लोग दिल्ली हम लोग लेकर के जाएंगे। दरअसल लालू प्रसाद यादव कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। जब वो जेल में बंद थे तब भी उन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स और दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन तब उनकी तबीयत ठीक हो गई थी। फिलहाल वो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, दाहिने कंधे की हड्डी में दिक्कत, पैर की हड्डी में समस्या, आँख में दिक्कत जैसी परेशानियों से ग्रसित हैं। उधर जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनको देखने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी आए थे। आरजेडी के प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने दिल्ली एयरपोर्ट का एक फोटो पोस्ट किया जिसमें हेमंत सोरेन दिख रहे हैं। लालू प्रसाद की बहू और तेजस्वी की पत्नी राजश्री यादव ने भी अपने ट्विटर पर लालू प्रसाद की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर पोस्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ने लालू की तबीयत को लेकर चिंता जताई और फोन कर हालचाल जाना। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी खुद पटना के पारस अस्पताल पहुंचे और उन्होंने लालू यादव की सेहत को लेकर जानकारी ली। कहते हैं बिहार की राजनीति में माइनस लालू कम से कम आज संभव नहीं है। कोई उन्हें गरीबों का मसीहा, दबे कुचले लोगों की आवाज कहता है तो कोई लालू में भगवान देखता है। धुर विरोधी भी लालू की सेहत को लेकर चिंतित हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हम भी ये प्रार्थना करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और पहले की तरह लोगों के बीच जाएं। न्यूज़ लाइव डेस्क पटना।